वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की बात सामने आई और कांग्रेस कार्य समिति की इसी बैठक को लेकर ये खबर आ रही है कि अब राहुल गांधी की वापसी इस पद पर हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के इस अंतर्कलह पर विपक्षी दलों ने अपनी अपनी राय रखना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल अपनी अपनी तरह से इन सब पर बयानबाजी कर रहे हैं और एक बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी की ओर से सामने आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, गुलाम नबी आज़ाद हम लोगों को BJP की बी टीम कहते थे, अब उनकी पार्टी के ही पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीभगत की है। कांग्रेस में अपना वक्त खराब करने वाले मुस्लिम नेताओं को सोचना चाहिए कि आखिर कब तक वो कांग्रेस लीडरशिप की गुलामी करते रहेंगे। कांग्रेस में अपना समय खराब करने वाले मुस्लिमों को सोचना चाहिए गांधी परिवार की गुलामी क्यों करनी है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का ये घमासान चारों तरफ चर्चे बटोर रहा है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद की कमान दोबारा संभालने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर BJP के नेता तक इस अंतर्कलह पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा संगठन बताता है, उसके पास परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि आपको बता दें, आज कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में कई दिग्गज नेता उतरे और कई नेता इनके खिलाफ देते हुए भी सुनाई पड़े। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर कह दिया है, सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबर गलत है। लेकिन इन सबके बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है, सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और 6 महीने बाद पार्टी स्थायी अध्यक्ष पर फैसला लेगी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।